हेलो एवरीवन, आई एम आत्रेयी। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोस आत्रेयी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली के शुभकामनाएं। आप लोग सब अच्छे रहिए, सबाई भालो थाकबें। शुभ दीपावली, शुभ काली पुजो। तो देखुन आपनादेर अपनी आमी आज के देखाबो कि जे आमार मेये किछु दिवालीर जन्य क्राफ्ट बनिएछे। तो उसका तो फ्राइडे से छुट्टी हो गया था, उसके बाद वो क्राफ्ट वर्क की है। तो उसमें वो झरोका बनाई है, झरोका को पेपर बोर्ड में काटिंग करके उसके बाद कलरिंग करके उसका मिरर सेटिंग की है। तो इस झरोका का जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा देखिए सेमी सर्कल वाला स्टैंड आएगा। ये स्टैंड के ऊपर देखिए ऐसा करके पूरा कलर्स में बनाई है, 5 झरोका बनाई। और झरोका बहुत सुंदर, बहुत ब्राइट लग रहा था। उस दिन वो स्कूल नहीं था तो उस दिन वो बनाई और थोड़ा सा हेल्प मेरा ली उसमें चिपकाने के लिए। तो चेटानोर जन्य आमार एकटु हेल्प नियेछिलो ओखाने, बस ग्लू दिए मोटामुटी एकटु फिक्स करे दिएछिलाम। आर फिक्स करार पर देखुन कि सुंदर लागछे, खूब भालो लागछे। खूब ब्राइट कलर छिलो, ब्राइट कलर्सेर मध्ये जखन दियागुलो जलेछिलो इट वाज वेरी ब्यूटिफुल। कालके नरक चतुर्दशी छिलो, जेटाके आमरा बोलि कि जे কি বলো ভূত চতুর্দশী। তো ওই ভূত চতুর্দশীতে আমাদের বাড়িতে এই লাইটগুলো জ্বলছিল এবং 14 বাতি আমরা জ্বালিয়েছি, ভীষণ সুন্দর লাগছিল। ও খুব হ্যাপি যে সাকসেসফুলি খুব ভালোভাবে বানিয়েছে। পারফেকশনের দিকে যাবেন না, পারফেকশনকে লিয়ে একদম মত সোচিয়ে, কিউকি ও ছোটি হে, ও খুদ অকেলি বানাই হ্যায়। তো আগর পারফেকশন দেখেঙ্গে তো উতনা আচ্ছা নেই হ্যায়, বাট ঠিক হ্যায়, ও বানাই হ্যায়, বহুত সুন্দর লাগ রাহা থা। মেরা ঘর বহুত গর্জিয়াস হো গিয়া থা দিওয়ালি মে। আর ফির হাম লোগ কাল থোড়া দিওয়ালি के लिए, कल तो 14 बाती था, छोटी दिवाली था, तो हम लोग थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर ली। ये यहाँ पे हैंगिंग्स में लाइट्स, ये मेरा घर में ये बहुत पहले से ख़रीदा हुआ था दिया और स्वस्तिक वाला। और ये जो आप लोगों को दिखाई दी फायरफ्लाइज, देखिए फायरफ्लाइज वाला लाइट जो है, देखिए वो लाइट सब कितना सुंदर लग रहा है। देखिए पूरा एकदम धूप में पूरा एकदम स्टोर कर लेते हैं उसका एनर्जी, उसके बाद शाम जैसे होता है वो जल जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ों का, पौधे का अंदर में, प्लांट्स का अंदर में छोटा 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 बॉल बॉल, बहुत सुंदर लग रहा था। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डेकोरेशन तो किए। देखिए ये मेरा लाइट्स भी लग गया, देखिए ऊपर का सीलिंग का लाइट्स भी लग गया है। तो मेरा बालकनी तो बहुत गॉर्जियस हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग ना फटाका ख़रीदने गए थे। ये देखिए मेरा घर है मायना हाइट्स बैक साइड में, ये जो बैक साइड वाला देखिए ये मायना हाइट्स है जहाँ पे मैं रहती हूँ। ठीक, वहाँ से देखिए रोड क्रॉस करके ही ऑपोजिट साइड में एक स्टैंडर्ड का फायर वर्कस का मतलब शॉप लगा था। तो वहाँ पे हम लोग आए, आने के बाद तो फटाका का इतना प्राइस रखे थे, बट वहाँ पे MRP का ऊपर 90% डिस्काउंट भी दे रहा था, बट MRP भी 4,500 ऐसा वाला था। तो लोग देखिए जितना भी पैसा, जितना भी प्राइस रखे जो भी है, लोग ख़रीदने में कम नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, भयंकर भीड़ था वहाँ पे, मतलब कंट्रोल करने के लिए कोई था नहीं। और लोगों को मतलब कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एकदम हचपच हो जा रहे हैं, एकदम इम्पेशेंट हो रहे हैं। भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, ये दीजिए, वो दीजिए। देखिए यहाँ पे बैठे बैठे ये मतलब बिलिंग करना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे जगह पे बिलिंग करने के लिए जगह मतलब लोग दिखेंगे, बट उतना ख़रीदने वाला लोग भी ज़्यादा ही था। तो हम लोग का घर से हुसूर ज़्यादा दूर नहीं है, ये लोग हुसूर से लेके आते हैं, हुसूर में बहुत सस्ता मिलता है और वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बम, ये सब बम था, तो सब एकदम पकड़ पकड़ पे पूरा गोद में लेके जा रहे हैं फटाका को। तो हम लोग भी थोड़ा सा शॉपिंग की हूँ, बम तो नहीं ली क्योंकि बम उतना पसंद नहीं है वो आवाज़ के कारण। और ज़्यादा से ज़्यादा रिद्धि जैसे एंजॉय कर सकती है चरकी, झुझुरी बाती और जो रॉकेट्स एंड लैंटर्न्स एंड चरका, पॉट फ्लावर्स जो, और शॉर्ट्स, शॉर्ट्स तो कमल का बहुत पसंद है, वो सब शॉर्ट्स ये सब ली हैं। तो टोटल मतलब हम लोगों का बिलिंग हो गया था ऑलमोस्ट 5K 6K अराउंड। तो खैर ठीक है, सबका मर्जी होता है, सबको अच्छा लगता है तो और कुछ नहीं कर सकते, बट ये एकदम वेस्ट ऑफ मनी होता है, बट कंट्रोल भी नहीं होता है।
तो खैर चोरी हम लोग का एकदम बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय करने के लिए फटाखा उटाखा सब खरीद दिए। देख लीजिए कैसा है पूरा। हम लोग अभी ऐसे ही पेटी वाला आया है, ये है लंटन। लंटन वाला ना चाइनीज़ होता है तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है, कभी कभी पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, ये जस्ट दो ही ली हूँ। यहाँ पे जिया की एक फ्रेंड देखिए वो भी खरीद रही है, वो जी बच्ची तो पीकू नाम है, देखिए वो भी दोनों मिलके जैसे मीट हुआ हाय हेलो वहाँ वहीं पे हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग ना घर वापस आ गए। जैसे वापस आए यहाँ पे ये देखिए मेरा घर, ये मेरा अपार्टमेंट देखिए बहुत सुंदर से सजा है, पूरा एकदम कलरफुल ब्यूटीफुल कलर, एकदम फेस्टिव ऑफ लाइट्स, इट्स अ दिवाली। तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा था दिवाली के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे और रिद्धि की फ्रेंड्स सब मिल के यहाँ पे मतलब फटाका फोड़ रहे थे। तो फिर दीदी को भी मन हुआ, वो तो एकदम कार का डिक्की भर के लेके आई, मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी फटाका फोड़ना है। देखिए यहाँ पे देखिए वो अपना फ्रेंड के साथ गई और देखिए पॉट फ्लावर्स सब लेके गई थी वहाँ पे, सब जला रही है तीनों फ्रेंड मिलके। ये देखिए बच्चनों का साहस बढ़ गया है आजकल, डरती उड़ती नहीं है और एकदम बहुत मस्ती की। और सच में ये बात भी सही है कि दिवाली आते हैं साल में एक बार, क्यों ना एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ मेरी फ्रेंड्स लोग भी आए थे छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, कितना प्यार से, मतलब और कभी डर नहीं है उसका, मतलब कितना अच्छे से मतलब सब जला रहे हैं। ये अब उसके पापा लाने के लिए गए थे, मतलब एक दफ़ा ख़त्म हो गया उसके बाद उसके पापा को भेजे हैं, पापा लेके आइए मुझे और भी जलाना है। सोचिए कैसा हालत है। उसके बाद ये है आर्यन बेबी, हम लोग के अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा झिझरी बत्ती जलाई है। उसके बाद ये है और उसी के ही एक फ्रेंड आनिया का साथ फिर ये सब जलाई, मतलब ये सब स्मोक वाला मुझे पसंद नहीं होता है बट क्या करें, मैं भी थोड़ा सा मेरी फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा एंजॉय कर ली, मैं और मेरी फ्रेंड्स दोनों बचपन याद कर ली थोड़ा झिझरी बत्ती का साथ। और यहाँ पर मेरी हस्बैंड पूरा पॉट फ्लावर का साथ रेडी है। अच्छा तो लगता है सच में ये जो लाइट्स, इतना कलरफुल लाइट्स, इतना सुंदर से सजते धजते हैं और अपार्टमेंट्स घर, ये इतना अच्छा लगता है जो क्या मैं बोलूं। तो ये शाम हो ही रहा था, उसके बाद फिर मैं घर वापस आई और हम लोगों का रिचुअल्स में है चौदह बाती जलाना। तो उसी टाइम पे ना मेरी एक फ्रेंड्स मुझे क्या गिफ्ट किए हैं देखिए, मतलब इतना अच्छा लगा, गिफ्ट नहीं मतलब मैं खरीदी हूँ बट बहुत दिन से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जाना ही नहीं हो रहा था। तो ये इसको बोलते हैं कि फुल बांग्ला। तो फुल बांग्ला बहुत सुंदर होता है, मेरा गोपाल को कल नरक चतुर्दशी में मिला है। देखिए इस फुल बांग्ला का अंदर गोपाल को जब मैं सजा के रखी हूँ कितना प्यारा लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था, ये देखिए बहुत क्यूट है। और फुल बांग्ला भी उतना ही सुंदर है, मैं उसको बोली थी मुझे येल्लो कलर ही चाहिए क्योंकि येल्लो कलर का साथ गोपाल का जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर लगेगा। और गोपाल का ड्रेस ऑरेंज कलर का था और उसका जो क्राउन है वो ब्लू था, ब्लू ऑरेंज एंड येलो कलर। देखिए आप लोग भी देखिए कितना गॉर्जियस, कितना सुंदर लग रहा है मेरा गोपाल फुल बांग्ला के साथ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड यूपी की है तो वो नहीं सॉरी बनारस की है तो वो वहीं से लेके आती है ये सब चीज़, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसके बाद देखिए चौदह बाती जलाई हूँ मैं मेरा घर में, थोड़ा सा फ़ोटो ही क्लिक की थी कल, उतना टाइम नहीं हुआ था। ये देखिए थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चला था, ये सब थोड़ा बहुत
एंजॉय की हम लोग घर में कल 14 बत्ती जला के। और उसके बाद आज सुबह को तो मेरा घर में आप जानते हैं हर अमावस्या में पूजा होते हैं और इस बार अमावस्या तो काली पूजा, तो काली पूजा में आज मैं पूजा की हूँ। मेरा घर में श्यामा माँ है, दुखिना काली है, तो उनका जो पूजा होता है ये तो बहुत बड़ा पूजा है। ये सब देखिए मेरा कुछ प्लांट्स का फ्लावर है जो मैं माला गाँथने बैठी हूँ उनके लिए, माँ मोनसा एवं श्यामा माँ एंड दुखिना काली जो हैं उनके लिए। उसके बाद फिर हम लोग पूजा में बैठ गए, बहुत अच्छे से पूजा हुआ आज एकदम। पूजा खत्म होता है यज्ञ होने के बाद, यज्ञ जब हुआ है तब 8:30 बज गया था, तो तब तक हम लोगों का यहाँ का पूजा कंप्लीट हो गया था। यज्ञ थोड़ा सा हुआ है और उसके बाद फिर ये देखिए मेरा सब प्लांट्स का फ्लावर और सब रेडी की हूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट कर दी। हम लोग हमेशा पूजा करने के टाइम पे मेरा हस्बैंड जैसे धोती पहनते हैं, अब मैं साड़ी पहनती हूँ। ये तुलसी माता का पूजा हुआ है और उससे पहले दुर्गा माँ का पूजा हुआ है। उसके बाद हम लोग जब पूजा कंप्लीट हो गया था उसके बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा फ़ोटो ली हूँ और बहुत अच्छे से आज पूजा कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत शांति मिला और बहुत सुंदर था सब कुछ, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छे से पूजा की हूँ। मेरा प्लांट्स में कितना सारा आज मतलब हिबिस्कस जवा फूल जिसको हम बोलते हैं वो खिला था, मैं क्या बोलूँ, और कुछ मैं मेरी फ्रेंड से लेके आई हूँ, बहुत सुंदर था। ये देखिए शिव बाबा जी, मेरा घर में ही वो प्लांट्स में हुआ था अपराजिता फ्लावर्स शिव जी के लिए। ये है राधा माधव जी, हम लोग बहुत अच्छे से पूजा किए हैं आज। आज अमावस्या का दिन है, सबसे बड़ा वाला अमावस्या, अमावस्या पूजा में हम लोग का घर में मतलब सब पूजा हुआ है बहुत अच्छे से, मन एकदम सुकून हो गया है। भगवान हम लोग को सबको अच्छे रखे, आप लोगों भी अच्छे रहिए। अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।